हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंथ। आज मैं एक बार फिर से आप सबके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैंने गणित विषय के औसत टॉपिक को समझाया है। औसत टॉपिक काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इससे लगभग 2 प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आपको मैं बिल्कुल नीचे से सिखाना स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल लो लेवल से। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए वहाँ वीडियो, और आपको इस सब्जेक्ट की PDF फाइल व्हाट्सएप पर मिल जाएगी यदि आप मुझसे जुड़े हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहले मैं आपको बता दूं औसत होता क्या है। एक ही प्रकार की राशियों का औसत या मध्यमान वह राशि है जो कि दी हुई राशियों के योगफल को उनकी संख्या में भाग देने पर प्राप्त होती है। मतलब औसत राशि वह होती है जो कि एक कुछ दी हुई राशियों का योगफल करके जो राशियों की जितनी संख्या होती है उससे भाग देने पर प्राप्त होती है। ये औसत का सूत्र होता है, राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। तो एक मैं ये आपको एग्जांपल बताए दे रहा हूँ। पहला क्या है, 3 पेंसिलों का मूल्य 55 रुपये, 58 रुपये व 64 रुपये है, तो इसका औसत मूल्य बताइए। तो इसमें राशि कितनी है, 3 है। 3 राशियों की संख्या हो गई, 3, पहली का 55 है, दूसरे का 58 है, तीसरे का 64 है। तो ये 3 राशियाँ हो गई, ये राशियों का योगफल हो गया जो कि 170 योगफल हो गया, 3 राशियाँ हो गई, तो 59 रुपये, यही औसत वैल्यू आ गई इसकी। अब कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र हैं जिनको पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद मैं कुछ इम्पोर्टेंट उदाहरण बता दूंगा आपको। उसके बाद अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रश्न मुझसे पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। तो पहला क्या, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है। तो n प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है n+1/2, मतलब n+1/2, ये बटे का साइन है। इसके बाद लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत होता है, तो ये होता है n/2, उधर n आगे चला गया है, ये होता है n/2। इसके बाद तीसरा, लगातार n विषम संख्याओं का औसत होता है, n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है, याद रखिए। इसके बाद लगातार n सम संख्याओं का औसत होता है, तो लगातार n सम संख्याओं का औसत n+1 होता है, ध्यान रखिए। अब देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, या अंतिम लिखा है, पहला क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 12 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 14 है, पहली 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। तो देख लेते हैं क्या है, 5 संख्याओं का औसत दिया है 12 है, 5 संख्याओं का औसत दिया है 12 है, तो 5 संख्याओं का योग कितना हो गया, ये इसमें गुणा कर दिया जाएगा क्योंकि औसत ये है और ये है संख्याएं। तो योग जब निकालेंगे तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्या टोटल। तो इसमें संख्या योग हमें पता करना है, संख्या हो गई 5 और औसत है 12, तो क्या हो गया, योग आएगा 12 × 5 बराबर 60, 60 हो गया योग। इसके बाद क्या दिया है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 14 है, जो अंतिम 3 संख्याएं हैं, अंतिम 3 संख्याओं का औसत दिया है 14 है, तो इनका भी योग निकाल लेते हैं। इनका योग हो गया, उसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे, 14 में 3 का गुणा हो जाएगा, 14 × 3, तो ये आ गया 42। अब हमें पता करना है कि शुरू की 2 संख्याओं का औसत पता करना है, तो पहली 2 संख्याओं का औसत क्या होगा, 5 संख्याओं का औसत, 2 संख्याओं का औसत होगा 5 संख्याओं का औसत माइनस 3 संख्याओं का औसत। तो 5 संख्याओं का औसत हमने कितना निकाला था, 60 माइनस 42, 3 संख्याओं का औसत, तो ये आ गया 18। अब ये 18 क्या आया, 18 2 संख्याओं का योग आया। अब हमें औसत पता करना है 2 संख्याओं का,
क्या है, दो संख्याओं का औसत हमें पता करना है। योग कितना निकला था, 18। संख्याएं कितनी है, दो, तो औसत आ गया इसका 9। इसका आंसर होगा 9। ठीक है दोस्तों, समझ गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चार बच्चों की औसत आयु 13 वर्ष है, एक चार बच्चों की आयु 13 वर्ष है, एक और बच्चे के आने से औसत आयु 12 वर्ष हो जाती है, तो नए बच्चे की आयु क्या होगी। देखते हैं इसको भी, क्या है, चार चार बच्चों की औसत आयु कितनी दी है, 13 वर्ष, तो उसका टोटल आयु कितनी हो गई, 13 × 4 = 52 वर्ष, 52 वर्ष हो गई, 52 वर्ष। इधर लिख देते हैं 52, इधर लिख देते हैं 52 वर्ष, ये पिछला वाला है। अब इसके बाद क्या दिया है, एक और बच्चा आ जाता है, तो पहले से ही चार बच्चे हैं उसमें एक बच्चा और आ जाता है, यानी टोटल कितने बच्चे हो गए, 5 बच्चे हो गए। 5 बच्चों की औसत आयु कितनी है, 12 है, तो 12 है, तो इसका योग कितना हो गया, 12 × 5 = 60। 60 आ गया 5 बच्चों का, 4 बच्चों का था 52, याद रखिए, ये 4 बच्चों का, ये आ गया 5 बच्चों का। तो अब क्या पूछा गया, नए बच्चे की आयु क्या होगी, तो नए बच्चे की आयु होगी, नए बच्चे की आयु हो जाएगी 5 बच्चों की आयु का कितनी, योग कितना निकाला था हमने, 60, और 4 बच्चों की आयु का योग है 52, तो 60 में से 52 गए 8 वर्ष, तो नया जो बच्चा आया उसकी आयु है 8 वर्ष। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन था वो भी टेट में काफ़ी बार आ चुका है। ये क्वेश्चन है, किसी वर्ष में एक परिवार के प्रथम 3 महीनों की औसत मासिक व्यय 4200 रुपये है, अगले 4 माह में 5040 रुपये है, अंतिम 5 माह में 5300, ये 0 है, 5304 रुपये है, यदि वर्ष के अंत में कुल 4320 रुपये बचत होती है, तो पूरे वर्ष की औसत मासिक आय ज्ञात करनी है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, 3 महीनों की औसत मासिक आय वह कितना है, 4200 रुपये, अगले 4 माह में 5440 रुपये, और अंतिम में है 5304 रुपये। तो पहले हम निकाल लेंगे कुल व्यय कितना हुआ है, कुल व्यय कैसे निकालेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे कि कितना मासिक व्यय हुआ है। तो ये 12 महीने का हमको निकालना है, ये 3 माह का दिया है, फिर 4 माह का दिया है, फिर 5 माह का दिया है, तो 4200 × 3 कर देंगे, 3 माह का दिया है, अब इसमें ऐड कर देंगे 5040 × 4 माह का है ये। अब इसके बाद अगला है 5304 × 5। अब इन सबको जब हम ऐड करेंगे, यहाँ ऐड करके लिखे दे रहे हैं, तो आएगा 59280 रुपये। इसको भी मैं आगे लिख दे रहा हूँ कि जो कुल व्यय आया है 59280 आया है। अब इसके बाद बचत कितनी की है, बचत उसने की है 4320 रुपये की, 4320 रुपये की, तो 5980 और 4320 ऐड कर देंगे इसमें, तो ये टोटल 00636 ये आ जाएगा, 63600 रुपये। अब उसने क्या पूछा है, मासिक आय, तो मासिक आय तो तभी निकलेगी जब इसको, ये तो वार्षिक आय हो गई टोटल इसकी, क्योंकि ये कुल व्यय था, इसके बाद ये इसने बचत की है, तो जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो उसकी वार्षिक आय निकल आएगी। अब मासिक आय निकालने के लिए क्या करेंगे,
मासिक आय निकालने के लिए करेंगे 63,600 बटे 12, क्योंकि हमें 1 माह की निकालनी है और ये जो टोटल आई है ये है 12 माह की, तो 1 माह की निकल आएगी 5,300 रुपये। यही हमारा आंसर हो गया, 5,300 रुपये। एक बार देख लीजिए आप लोग दोबारा, अगर समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर बता दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही औसत के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं एक इसकी एक प्रैक्टिस शीट दे दूंगा जिसे आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे फेसबुक पर भी आप लोग कमेंट या मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों का तुरंत रिप्लाई दूंगा आपके क्वेश्चंस का। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।